मजलिस से अजा होगी। मजलिस के बाद इंशाल्लाह मातमदारी होगी, बहुत सारी संगतें आ रही हैं मातमदारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर आफियत से होंगे, और अगर अभी तक भी आप इस वीडियो को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो भाई साहब जाके पहले सब्सक्राइब करें तब आके वीडियो देखें। जी जैसे कि आज 14 शवाल है और हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आज शहादत की रात है, तो इस बुनियाद पे मैंने आज का ये व्लॉग रखा है। तो सीन ये है, पहले वहाँ बरगाह जाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह मजलिस से अजा होगी, मजलिस के बाद इंशाल्लाह मातमदारी होगी, बहुत सारी संगतें आ रही हैं मातमदारी के लिए। मेरे एक अजीज की भी संगत है जो कि गुलामान शहजादा अली अकबर के नाम से है, और वो भी इंशाल्लाह मातमदारी करेगी और मैं भी उसी संगत का एक हिस्सा हूँ। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में बस निकलते हैं वहाँ बरगाह, वहाँ पे जाके मौला को पुरसा पेश करते हैं। A few inches later. लो जी मामरगा तुम पहुंच आए हैं और मतलब स्टार्ट है, घंटे दो घंटे की मतलब होनी है, इसके बाद इंशाल्लाह पुरसादारी होगी मातमदारी होगी। फिर वक्त गुजरता आया, साल साल गुजरे, घबरातन हो गए, ते फिर सरदार नबी लवल आया, ते जनाबे बाकर उल उलूम ते बेड़े सादे के आले मोहम्मद नजूल होया। आले मुनाफिक मलूल है और दोनों का एक लकब है तो दोनों का एक नसब, सादिक मेरा इमाम तो सादिक रसूल है। लो जी भाई जान, ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, और पुरसा वगैरह दे लिया है और उसके बाद लंगर वगैरह भी कर लिया है। अब वीडियो का ख़त्म नहीं किया जा रहा क्योंकि मातम कर करके ना गला बिल्कुल बैठा पड़ा है, और बस दोस्त को छोड़ने आया हूँ और बस अब निकलेंगे घर, और रात के तकरीबन इस वक्त 3 होने वाले हैं, और ये होता है पुरसों में, अभी तो मुहर्रम भी नहीं है, अभी तो मुहर्रम में पता लगेगा कि क्या होता है। ठीक है बाबा जी, फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर सुबह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।